क्या कहेंगे, ये अब चुनावी बिगुल है क्योंकि अब चुनावी मिजाज में अमित शाह बंगाल में उतर रहे हैं? ऐसा नहीं है, आज मेरा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का ही दौरा था, मगर जिस प्रकार का वातावरण मैंने यहाँ हेलीपैड से हॉल तक, हॉल से परिवार के घर तक रोड पर देखा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बंगाल में हम जिस तरह से देख रहे हैं, अभी चुनाव 6 महीने 7 महीने दूर हैं, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं गए, बंगाल ही क्यों? ऐसा नहीं है, मुझे 5 तारीख के बाद ही दौरा करना था, तो वहाँ चुनाव ऑलमोस्ट आज समाप्त हो रहा है, तो और यहाँ ये दौरा पहले से मेरा लगा हुआ था, तो कैंसिल करने की जगह मैंने कंटिन्यू करा। 7 महीने में ही चुनाव है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, गृह मंत्री बतौर और एक नेता क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बतौर गृह मंत्री तो कुछ कहना नहीं चाहता, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर कहना चाहता हूँ, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छे आचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं और ये 100 में से 75 से ज्यादा FIR में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इससे ज्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। कल ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक परिवार से मिला, हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते, पोस्टमार्टम करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करते, कंटेम्प्ट कर लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, अब 5 नवंबर को पोस्टमार्टम तय हुआ है, तो मैंने तो इतना लॉ एंड ऑर्डर का नीचे जाना देश भर में का मेरा दौरा होता है कहीं नहीं गया।